यस सर, दो बार टच चेंज करके देख लिया था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी बार चेंज किया था? दो बार टच चेंज करके देखा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज जाके पता चला कि ये हेडसेट कहाँ से लेके आया? सर लखनऊ से लेकर आया हूँ। आप घर से लेके आए थे? यस सर। दो टच चेंज कर चुके हैं? दो टच चेंज कर चुके हैं। चेंज करने के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं मिला? रिजल्ट नहीं। आप समझ नहीं पाए कि करना क्या है इसमें? चलिए ठीक है, आज बताइए इसके अंदर। आज पता चला कि VDD की लाइन भी कोई होती है। मोबाइल चालू हो गया? हाँ मोबाइल चालू, मतलब पावर आईसी आपकी सही लग गई है? पावर आईसी सही लग गई है। हम टच को चेक करेंगे, टच का भी देख लेते हैं लग रहा है सब करके, बताइए सर। बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार करा है अपने हाथ से, वो भी ऐसा सेट करा है जो कि लखनऊ में तो कहीं नहीं हो रहा था। तो जैसे आज टच की क्लास थी आपकी, आपने टच की क्लास को उधर पढ़ा, आप प्रैक्टिकल लैब में आए, प्रैक्टिकल लैब में आने के बाद वही सेट पे आपने काम किया और आपसे डन हुआ? यस। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हमारे साथ है स्टूडेंट जी, नाम बताइए अपना। हाँ अरुण नाम है मेरा। अरुण कहाँ से हो भाई? लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश। अरुण अभी ये क्या कर रहे हो आप? सर मेरे पास MI Note 4 आया था। ठीक है, हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें टच बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और आज क्लास काहे की है? आज क्लास काहे की है आपकी? सर टच की क्लास है। टच की क्लास है, ये क्या कर रहे हो आप? सर टच रिपेयर करना है इसका, और मेन इसमें दिक्कत क्या आई थी, इसमें जो डायग्नोस करा है उसमें VDD की लाइन मिसिंग थी। VDD की लाइन मिसिंग है? हाँ, और VDD की लाइन में क्या करेंगे आप? सर मेन VDD की लाइन जो जा रही है वो मेन पावर IC पे जा रही है, पावर IC चेंज करेंगे इसकी। अच्छा, पावर IC चेंज करेंगे आप? यस सर। चलिए ठीक है, आप करिए इसको। टच का पत्ता इनका नहीं लगा हुआ है, तो एक बार टच का पत्ता भी लगा के दिखाइए। फोन ऑफ करिए पहले, फोन ऑफ कीजिए। आप टच का पत्ता लगा के बताइए। व्यूअर जो भी देख रहे हैं आप, उनको जो सही जानकारी है आप पूरी की पूरी बताइए, क्या क्या कंडीशन है। यस सर, दो बार टच चेंज करके देख लिया था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी बार चेंज किया था आपने? दो बार टच चेंज करके देखा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज जाके पता चला कि ये हेडसेट कहाँ से लेके आया? सर लखनऊ से लेकर आया हूँ। आप घर से लेके आए थे? यस। दो टच चेंज कर चुके हैं? दो टच चेंज कर चुके हैं। चेंज करने के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं मिला? रिजल्ट नहीं। आप समझ नहीं पाए कि करना क्या है इसमें? चलिए ठीक है, बताइए इसके अंदर। आज पता चला कि VDD की लाइन भी कोई होती है। तो अभी टच चल रहा है क्या? नो सर, टच नहीं चल रहा अभी। टच वर्क नहीं कर रहा है। चलिए, कनेक्टर लगा है आपका? यहाँ पे दिखा दीजिए जरा, कनेक्टर लगा हुआ नहीं लगा हुआ? कनेक्टर वगैरह सब लगा सर। टच भी नहीं आया आपने? यस सर। अच्छा ठीक है, चलिए क्या करेंगे आप इसके अंदर? अब सर अब पावर IC चेंज करेंगे क्योंकि VDD की लाइन आ नहीं रही बिल्कुल भी। ठीक है, और VDD की लाइन कहाँ से आती है? पावर IC से। कौन सी पावर IC? ये लगी है सर, मेन पावर IC।
मोबाइल चालू हो गया। हाँ मोबाइल चालू मतलब पावर आईसी आपकी सही लग गई है। पावर आईसी सही लग गई है। अब हम टच को चेक करेंगे, टच का भी देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि दो बार टच में पैसे वैसे वेस्ट कर चुके हैं, इसका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। क्योंकि आपने इसकी लाइनों को पढ़ लिया है, समझ लिया कि कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है। यस सर। बताइए आप इसको करके। सर टच भी चल गया मेरा। ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाइए पहले, बैक करके इसका ब्राइटनेस बढ़ाइए। कैसा लग रहा है सब करके बताइए। सर बहुत बढ़िया लग रहा है, और पहली बार करा है अपने हाथ से, वो भी ऐसा सेट करा है जो कि लखनऊ में तो कहीं नहीं हो रहा था। तो जैसे आज टच की क्लास थी आपकी, आपने टच की क्लास को उधर पढ़ा, आप प्रैक्टिकल लैब में आए, प्रैक्टिकल लैब में आने के बाद वही सेट पे आपने काम किया और आपसे डन हुआ। यस। तो यहाँ की पढ़ाई मतलब कोई बोर्ड वाली पढ़ाई नहीं है यहाँ की भी प्रैक्टिकल ही पढ़ाई है। प्रैक्टिकल है मतलब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी आ पाएगा। कैसा लग रहा है सब सर? बहुत बढ़िया लग रहा है। VDD की लाइन भी मैं 2.8 वोल्टेज आ रहे हैं, और I2C की लाइन में भी 1.8 पूरा कंप्लीट आ रहा है। चलिए ठीक है, आपकी सारी लाइनें ओके हो गई। यस सर, पूरी लाइन ऑल द बेस्ट। जनता को बोलना चाहूंगा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा लगा आपको? डाउट किसी प्रकार का नहीं सर। अभी बताओ मेरे को हाथ खड़े करके, किसको समझ में आया, किसको समझ में आया? जी सर सबको। सर सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ना। क्या उसमें कितने सेट चालू किए? सर तीन सेट। तीन सेट चालू किए, किस किस के चालू किए? एक तो सर मेरा है रेडमी। तुम्हारा कौन सा था? रेडमी का नोट 4 था। आपका वीडियो देख सकते हैं? यस सर। आपका कौन सा था? J4 सैमसंग J4। आपका कौन सा था? MI6 Pro। MI6 Pro। आपके तीन के सेट चालू है अभी। आपके आप अपने साथ मोबाइल भी लेके आए थे? यस सर। किसी का ऐसा कोई मोबाइल बाकी है यहाँ बैग में रखा हुआ है जिसका टच काम नहीं कर रहा हो, माइक काम नहीं कर रहा हो, वाईफाई काम नहीं कर रहा हो, तुम्हारे पास हो और वो ऐसे टेलीकॉम में नहीं बना हो? नहीं सर। ऐसा कोई है क्या? नहीं सर। तो माइक को लेके, टच को लेके, वाईफाई को लेके कोई दिक्कत डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। आपको एंड मालूम पड़ा कि नहीं? वाईफाई का एंड मालूम पड़ा कि नहीं? माइक का एंड मालूम पड़ा कि नहीं? और आपको टच का एंड मालूम पड़ा कि नहीं? जीरो से एंड तक बताया। जीरो से एंड तक कन्फर्म है? जी सर। टच, वाईफाई और माइक। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा सर, एकदम डीप नॉलेज मिली, नीचे से लेके हाई तक, ऊपर तक नॉलेज मिली, एंड तक एंडलेस सॉल्यूशन मिला, एंडलेस सॉल्यूशन मिला। और वाईफाई सेक्शन, माइक के सेक्शन के बारे में क्लास थी, और सर ने इतना अच्छे से समझाया तो सर के पूरा दिमाग में बैठ गया है, अब उनको हम कभी भूल नहीं सकते, और इतना अच्छे से बताया कि अब तो हम कहीं नहीं अटकेंगे। हमसे क्या क्या गलती होती थी अभी तक वो सब क्लियर हो चुका है। अब माइक सेक्शन के बारे में तो ऐसा बोलूँगा कि अब हम माइक लगाने के बाद इतना कॉन्फिडेंस है, हम सर सेट को सर डायरेक्ट दे सकते हैं कस्टमर को कि आप बात करके चेक कर लो कि 100% काम करेगा वो। बराबर लोगों का क्लास था वाईफाई और टच और माइक सेक्शन की, और बहुत अच्छे से गया, और बहुत खुशी हो रही है कि इतने मतलब ट्रिक्स बताए जा रहे हैं कि अभी सब आसान हो गया है। सब ये सब प्रॉब्लम जो अभी माइक और टच वाईफाई का है पूरा अभी सॉल्व हो जाएगा, एक ही कम से कम अगर एक बोर्ड मिल रहा है। कैसा लग रहा है सब करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम है अरुण, मैं लखनऊ से हूँ। आज का जो हमारा सेक्शन था वो टच का सेक्शन था, माइक का सेक्शन था और वाईफाई का सेक्शन था, और तीनों इतने सिंपल तरीके से पढ़ाया गया कि वो आराम से याद हो गया। और उसके बाद सबसे बढ़िया बात यहाँ पे होता है प्रैक्टिकल क्लास, प्रैक्टिकल में अपना ही सेट मैंने रिपेयर करा है जो कि खुद हो गया। उससे क्या? यस सर, VDD की लाइन इसमें मतलब आनी रही थी, शॉर्ट हो गई थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सरल तरीके से समझ में आ गया, जो भी प्रॉब्लम रहेगा इसके आगे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और एशिया टेलीकॉम की सभी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर इन तीनों से इतना इजी से बताया सर ने, क्या बोलो सर, अभी तो बहुत ही अच्छा, अभी तो कोई वापस नहीं जाएगा ऐसा शेड है, अगर कोई भी शेड आए तो वापस नहीं जाएगा। सर पैसा तो कब का वसूल हो चुका है? आज हमारा टच वाईफाई और माइक का सेक्शन था, सर ने आज इतनी बढ़िया तरीके से सिखाया ना, तो अभी हम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। सर पहले तो हम एशिया टेलीकॉम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन नॉलेज हमको प्रदान करते हैं, हम एक चीज़ को बारीकी से परख सकें उसके बारे में काम कर रहे हैं। मेरे भाई ने एक फोन भी बनाया है जो लाइव आपको भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं थैंक यू देना चाहूँगा यहाँ के टीचर को, जो तरीका जो ट्रिक्स है वो बेहतरीन है, बेहतरीन तो बेहतरीन से ही बेहतरीन है। आज हमारा क्लास था वाईफाई माइक और टच का, जो सेक्शन वाइज था इतनी बारीकी से समझाया कि
एकदम आसान हो गया हमारा जो नॉलेज था कितना है कहाँ आएगा एकदम बारीकी से समझाते सारे सेक्शन अभी बहुत इजी लग रहे हैं। मैं सपना से हूँ और आज का क्लास था टच का माइक और वाईफाई सर इतना इतना हैंडलेस होता है जीरो से लेके हाई लेवल तक का कुछ बच ही नहीं सकता कि नेटवर्क अगर टच में टच नहीं वर्क कर रहा तो कहाँ चेक करना है कैसे चेक करना क्या फॉल्ट है मतलब दो मिनट के अंदर मैं उसको फाइंड आउट कर लूँगा सर। टच से देखने में टच कनेक्टर को आँख से देखने में समझ आता है कि 6 पिन है 10 पिन है और कितने कहाँ पे क्या आ रहा है उसको मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चेयर ग्रेडिंग तुम्हारे दिमाग में ही कर रही है। आज क्लास था टच वाईफाई और माइक इसमें से दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आते हैं माइक और टच का। टच का और वाईफाई माइक का था। माइक में कैसे वोल्टेज काम करता है कैसे काम करता है कैसे मतलब सीपीयू से जाता है कैसे पावर आईसी करंट जाता है उसको मतलब उसका जो है आईसी में कितना वोल्टेज आता है सब बता दिया गया डीपली नॉलेज। अब कहता है कि जीरो से लेके हीरो बनने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है तो सर ने इतना मेहनत किया है कि हम लोग को समझाने में 5 मिनट लगता है कोई भी कंपोनेंट पहचानने के लिए 2 सेकंड 3 सेकंड यूँ चुटकी में बताते कैसे। और अगर आज ये जो आप गलती से अगर 2 साल पहले कर लेते तो क्या पूछेंगे माशाल्लाह अभी कहाँ रहते पता नहीं सर। ठीक है सर ने टच माइक और भाई भाई का सेक्शन बहुत अच्छे समझाया जी सर। वो MI6 प्रो को सेट था उसमें कुछ नहीं छोटा सा प्रॉब्लम था प्रॉब्लम थी वो खाली छोटा सा प्रॉब्लम उसमें जिया आ रहा था वोल्टेज नहीं आ रहा था यही प्रॉब्लम थी। कैसा लग रहा है सर?